स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी में। और पेरिस ओलंपिक्स को खत्म हुए अभी कुछ चंद दिन हुए, लेकिन खुमारी पेरिस ओलंपिक्स की अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब बारी है पेरिस पैरालंपिक्स की। जी हाँ, हमारे जो पैरालंपियंस हैं अब वो जोर आजमाइश करेंगे उस चीज के लिए जो कसर थोड़ी सी ओलंपिक्स में रह गई थी उसको पूरी करने के लिए। इसी बारे में बातचीत करने के लिए शेफ डे मिशन पैरालंपिक्स पेरिस अगर 2024 की हम बात करें, एसपी सांगवान सर हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए सर। धन्यवाद प्रियांशु जी। और सबसे बढ़िया चीज मैं देख पा रहा हूँ कि आप पेरिस पहुंच चुके हैं सर। हाँ, पेरिस आ गए थे। 25 तारीख को हम पेरिस पहुंच गए थे अपने। जी, हाँ, पेरिस में सर इंडियन कंटिंजेंट का जोश पूरी तरह से हाई है। जिस तरह से हमारा पेरिस ओलंपिक्स में प्रदर्शन रहा है, उससे हमारे जो पैरालंपियंस हैं उनका भी जोश हाई है सर। बहुत हाई है। और इस बार हम इतिहास बनाएंगे। प्लेयर्स के अंदर, कोचेज में, स्पोर्ट्स स्टाफ में, सब में बहुत जोश है इस बार। और यहाँ का अरेंजमेंट भी बड़ा अच्छा लगा हमें। आज जी शाम सर, को ओपनिंग है यहाँ के टाइम के हिसाब से 8:20 पे, और इंडिया में लगभग 12 बजे के आसपास इसकी आज। जी सर, जैसा आपने कहा कि अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में कई बार अरेंजमेंट्स को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन आपने अपने पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर अच्छे हैं। आपने कहा कि हम इतिहास रचेंगे। इतिहास सर एक तो ऑलरेडी रच चुके हैं हम लोग यहाँ पे, कि पैरालंपिक्स की अगर हम बात करें सबसे बड़ा दल गया है अभी तक का, मैं देख पा रहा हूँ 84 एथलीट्स यहाँ पर गए, जिसमें 52 मेंस और 32 वुमेन्स है यहाँ पे। तो एक सवाल जो हर एक भारतीय के मन में, कि अगर जैसे सबसे बड़ा दल जा रहा है पेरिस ओलंपिक्स की, अगर मैं बात करूं शूटिंग में सबसे बड़ा दल गया था, सबसे ज्यादा मेडल उस तरफ से आए, तो पैरालंपियंस की अगर हम बात करें सबसे बड़ा दल जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पदक इस बार आ रहे हैं सर। इस बार बताया ना आपको, हमारे ब्राजील में 4 पदक आए थे रियो द जी जेनेरियो में, और जी टोक्यो में 19 आए थे। इस बार हम 25+ है। मेरे तो गट फीलिंग पे 28 मेडल जरूर आएंगे। मतलब 84 खिलाड़ी, 28 मेडल की हम बिल्कुल आशा नहीं, हमें विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 25+ मेडल आएंगे। और उसके अंदर 8 से 10 तो गोल्ड मेडल होंगे। भाई वहां पे जैसे 6 मेडल थे पर देश का तिरंगा नहीं फहरा पाए थे, इस बार वो सारी कमी हम पैरा ओलंपिक में पूरी करेंगे और जी इतिहास बनाएंगे। देश का नाम ऊंचा करेंगे, देश का तिरंगा कहीं शान से लहरा जाएगा। और यहाँ पे कल तक 156 कंट्रीज रजिस्टर्ड हो चुके थे, उसमें हम T20 के अंदर अंदर, हमारा ये है कि T20 में हम आए 156 कंट्रीज में। सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं पैरालंपियंस में अलग अलग कैटेगरीज भी होती है एक ही गेम में, तो जो आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया T20, इसका अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए क्या है सारी चीजें टी हमारे दर्शकों के लिए। ट्वेंटी का मतलब जो टॉप T20 कंट्रीज हैं उनके जी अंदर हमारा नाम रहेगा। 156 में से हम भी 15वां भी रह सकते हैं, 10वां भी। पर T20 का मेरा कहने का मतलब है कि T20 से नीचे नीचे हमारा रैंकिंग वर्ल्ड में रहेगा। 20 से नीचे नीचे हम लोग रहेंगे। और अगर मेडल टैली की सर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके हिसाब से, जैसे आपने कहा कि आपकी गट फीलिंग है कि कम से कम 28 मेडल्स यहाँ पर आ रहे हैं, टॉप 10 में इस बार मेडल टैली में फिनिश कर रहे हैं सर। बिल्कुल, T20 में जरूर कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी T10 के अंदर अंदर आ जाएं। पर जी 20 में मैं ये पक्का कह सकता हूं कि 20 के आप जब खत्म हो तब आप हमसे पूछना कि आपने ठीक कहा था। हो सकता है हम 9 भी आ जाएं, पर हमें ये जी विश्वास है कि T20 के अंदर अंदर हम जरूर मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि हम लगातार आपके साथ यहाँ पे जुड़े रहेंगे पूरे पैरालंपिक्स में। अगला सवाल सर मेरा यह है कि आप 2016 में भी टीम के साथ थे, 2020 में भी, ये तो जिम्मेदारी, और इस बार तो आप शेफ डे मिशन है सर यहाँ पे, तो ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है, और सारे एथलीट्स को संभालना कितना अलग एहसास होता है बींग अ खिलाड़ी और बींग एन, मैं कहूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ये एहसास कितना अलग अलग है सर। प्रियांशु जी, आप जब मेरे को CDM बनाया गया था तो मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेवारी यहाँ पे प्लेयर्स की, कोचिज की, जितनी भी मैनेजमेंट की, सारी की सारी CDM के ऊपर आती है। और वही जी सारी चीज का जिम्मेवार होता है, वही सब कुछ करता है। कि तो अब मेरा भी यह है, जिस CDM पहले मैं डिप्टी CDM कॉमनवेल्थ में रहा था, मेरा दस जी साल का एक्सपीरियंस है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कामयाब होंगे। किसी तरह की भी किसी प्लेयर को, किसी उसको जो भी अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम सारी सॉल्व कर चुके हैं। इसीलिए हम 3 दिन पहले आ गए थे, और हर
प्लेयर्स का कहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम अभी भी, मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे, हर खिलाड़ी, हर कोच, हर फिजियो, सब कुछ है यहाँ पे। पर आपके हाथ में कमाल है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज आप बात कर रहे हैं, और जो आपने बात कही शुरुआत में कि मुझे नींद नहीं आई थी, फिक्र उन्हीं को होती है जिनको जिम्मेदारी का एहसास सर यहाँ पे होता है। एक सवाल मेरा ये भी, आपने कोचेस की बात की, फिजियोस की बात की, पैरालंपिक्स में अगर हम देखें, पैरिस ओलंपिक्स में माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा बातें हुई थी पर्सनल कोचेस की, कुछ टीम के कोचेस की। मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा सर कि अगर एक पर्टिकुलर एथलीट की मैं बात करूं यहाँ पे, उसके लिए पर्सनल कोच कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कोचेस भेजे जाते हैं, क्या ज्यादा बेटर रहता है, और क्यों खिलाड़ी पर्सनल कोचेस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं? देखिए, हमने जिसका अपना पर्सनल कोच था, खिलाड़ी को उसके साथ हर पल उसको कोच को पता होता है कि हमारे खिलाड़ी कहाँ कमी कर रहा है, कैसे करना है उसको, कैसे उसको विश्वास दिलाना है। तो हमने कोशिश करी है कि जिस खिलाड़ी ने जो भी बोला, हम उस कोच को लेके गए हैं। अगर वो यहाँ पे विलेज में नहीं रुक पाया तो हमने उनका बाहर रुकने का भी अरेंजमेंट कर रखा है, और हमने पास भी बनवा रखे हैं कि सो दैट कि वो उसको ट्रेनिंग करवा के जा सके। जी तो हमारा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा, क्योंकि कोचिज की हो सकता है, देखो हर खिलाड़ी को, 84 खिलाड़ी को तो हम कोच नहीं दे सकते, पर हम कोशिश करेंगे कि किसी भी खिलाड़ी को, जिस जैसे जेवलिन का है तो जेवलिन का आएगा, उसका पर्सनल कोच नहीं है अंदर उसमें ग्राउंड में, तो हम दूसरे कोच को जिसकी परमिशन है उसको भेजेंगे, और किसी तरह की भी उनको परेशानी नहीं आने देंगे। सर, आपने जैसे अभी शुरुआत में इस मेरे सवाल के कहा कि जो भी चीजें मांगी गई हैं एथलीट्स के द्वारा, जो भी फैसिलिटीज की मांग की गई है, चाहे फिर वो गेम्स विलेज के अंदर हो या गेम्स विलेज के बाहर है, वो प्रोवाइड यहाँ पे कराया गया है। फैमिलीज भी सर साथ में पहुंची हैं कि कुछ एथलीट्स के? सर नहीं, यहाँ पे विलेज में कोई फैमिली नहीं है, नहीं, विलेजेस के वो बाहर सर? उसके विलेज के बाहर अभी तक तो कोई ऐसे नहीं है जी। तो जी आए हैं, कोई अपने खर्चे से आ जाए, अपने उसके हिसाब से आ जाए तो कह नहीं सकते, बट हमने सब मना कर रखा है कि कोई भी सिर्फ विलेज में रहेंगे, और प्ले ग्राउंड के अलावा जब तक उसकी इवेंट्स नहीं होगी वो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगला उसकी सर, इवेंट्स होने के बाद वो कहीं भी जा सकता है, वो कोई जी दिक्कत है। जी मतलब जब तक इवेंट है तब तक स्ट्रिक्टनेस है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप थोड़ा सा एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। बल्कि इस बार तो प्रियांशु जी, एक अच्छी बात बताऊं कि जैसे हम कह रहे हैं ना खिलाड़ियों को, वैसे ही बात हमारी मान रहे हैं, और हम उनको कोई भी किसी को भी हमने कहा भाई ऐसे है, आपका यहाँ पे, आप भारत के खिलाड़ी हो, देश के हो, आप ठीक है, आप अपने आप नहीं सोचो, क्योंकि आप मेडल लेके आओ तो देश का नाम होगा, तो आप देश के हो, तो उसके बाद जब आपके मेडल हो जाए, मेडल सेरेमनी हो जाए, उसके बाद आपके पास 2 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन आप घूमो फिरो कुछ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वही चीज सर, हर किसी की यही उम्मीद होती है कि देश का अगर आपने नाम रोशन कर दिया फिर कोई भी स्ट्रिक्टनेस, कोई भी पाबंदी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब तक मेडल सेरेमनी में आप वहां तक नहीं पहुंच जाते, तो आपका डिसिप्लिन में रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, एक सवाल मेरे मन में लगातार उठता है, क्योंकि एज अ व्यूअर भी मैं देखता आया हूँ पैरालंपिक्स को भी और ओलंपिक्स को भी। 2020 के बाद अगर हम देखें, मेरे पर्सपेक्टिव में ऐसा हुआ है कि काफी चीजें बदली हैं। अगर मैं आपके एंड पे जानने की कोशिश करूं, और साथ ही साथ थोड़ा सा नजरिया देखूं सरकार का भी, और साथ ही साथ खिलाड़ियों का और जनता का, पैरालंपियंस के प्रति क्या नजरिया बदला है सर? क्या बदलाव आपने 2020 से 2024 में देखा है? देखिए, हमारा पहला मेडल जो पैरालंपिक 1972 में आया था, जी और दो चैंपियन जिस पर फिल्म बनी है, एग्जैक्टली मुरलीकांत सर, पेटकर जी, जिनको अभी 2018 में पद्मश्री भी मिला है, बिल्कुल उस फिल्म ने भी हमें इतना पैरालंपियंस को इतना फेमस कर दिया कि लोग जानने लगे कि भी पैरालंपिक भी, अदरवाइज उससे पहले कोई नहीं जानता था। बिल्कुल सर, क्या है कि जो एबल बॉडी को, ओलंपिक बॉडी को, वो सेम फैसिलिटी, सेम सरकार, भारत सरकार का इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, ये अपने स्पोर्ट्स मंत्रालय और साई, इन्होंने बहुत ही हमारे खिलाड़ियों के लिए जो भी चीज चाहिए। अभी जैसे एक हमारे खिलाड़ी सुमित हंटिल, वो गोल्ड जी मेडल लेके आए थे टोक्यो में, उसके पास आर्टिफिशियल वो बिछाना था, हमने ट्रैप, तो हम अरेंजमेंट करके 25 से 30 लाख का वो वहीं प्रैक्टिस करना चाह रहे थे सोनीपत में, तो हमने सारा प्रोवाइड किया है, जो भी जिसको भी जो चीज की डिमांड की हमने उसको, हमने कहा कि हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी, बाकी परफॉर्मेंस तो आपकी रहेगी, आपकी तैयारियां आपकी हैं, परफॉर्मेंस जी आपकी रहेगी, हमारी तरफ से उनको सारी सुविधाएं दी गई।
बिल्कुल, फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन परफॉर्मेंस आपको करनी होगी। एक साथ सवाल मैंने देखा पेरिस ओलंपिक्स के दौरान भी काफी चला कि ऑन दैट डे कई बार खिलाड़ी का दिन नहीं होता, जैसे नीरज का हमने देखा जैवलिन में, आपने सुमित अंतिल की बात की तो मुझे नीरज की यहाँ पर याद आ गई। नीरज ने थ्रो अच्छी किया लेकिन उसके बाद भी वो सिल्वर जीत पाए क्योंकि उनसे उम्मीदें इतनी थी गोल्ड मेडल की। वो फैक्टर खिलाड़ी के दिमाग में कितना रहता है कि अगर मेरा वो दिन, जिस दिन मेरा इवेंट है, वो दिन अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या? देखो, ये बात सही कह रहे हो आप। आपने मैंने भी देखा था, पूरा लाइव देखा था जी नीरज जी का। उसमें एक थ्रो से दूसरे थ्रो के अंदर ऑलमोस्ट 10 मीटर का भी फर्क आ जाता है। ये बात, फिर ये होता है कि खिलाड़ी का दिन होता है, कुछ समय होता है, कुछ किस्मत होती है, कुछ साथ देते हैं, और किस्मत और दिन भी उनका होता है जो हौसले रखते हैं। इस बार हमारे खिलाड़ियों में अच्छे हौसले, कोई बार कहता है मेरे को मिल जाते हैं रास्ते में, अभी जहां विलेज में। मैंने कहा पता क्या तैयारी है सर, कोशिश पूरी। मैंने कहा ये वर्ड ही निकाल दो, कोशिश, मेडल आना चाहिए, मेडल लेके आना है। ये मत सोचो कि कोशिश कोशिश होगी तो इसका मतलब आप हाँ भटरली कर रहे हो। मन से सच्चे, मैं चंदू चैंपियन देखिए, हमने सब खिलाड़ियों को दिखाई है फिल्म, ये चंदू जी चैंपियन। तो मैंने कहा देखो उसमें क्या जोश था, बचपन में कहा था मेडल लेके आऊंगा तो लेके ही आया। मैं तुम्हारी पूरी, कहते हैं ना कि जो आदमी के अंदर हौसले होते हैं पूरी कायनात उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। तो बिल्कुल सबसे पहले अपना हौसला रखो और अपना कॉन्फिडेंस लूज कभी मत करो। कोई बात नहीं है, हार जीत मैच में चलती रहती है, पर अपना बेस्ट परफॉर्म करो। ये बात आपने बहुत सही कही सर यहाँ पे कि कोशिश जो शब्द है उसको हटा दो, लाना है, क्योंकि अगर आप मेडल जाने के लिए लेने के लिए जाएंगे वहां पे तो आपका एफर्ट भी यहाँ पर पूरा रहेगा। आखिरी सवाल अगर मेरा यहाँ पे मेडल प्रोस्पेक्ट अगर हम देखें, वैसे तो हम चाहेंगे कि आपने 28 बोला है 30 तक ये टैली चली जाए, लेकिन जैसे सुमित अंतिल का आपने नाम लिया यहाँ पे, मनीष को मैं देख पा रहा हूँ, कृष्णा नागर, अवनी लाखेरा है जो हमारे पिछले पैरालंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट है यहाँ पे, आपने कहा कि 9 से 10 बार या 8 से 10 बार इस बार यहाँ पे भारत का तिरंगा लहराएंगे हम लोग और साथ ही साथ राष्ट्रगान बजेगा। वो गोल्ड मेडलिस्ट अगर मैं मेडल प्रोस्पेक्ट की बात करूं, आपको कौन कौन नजर आ रहा है सर? देखिए हमें बैडमिंटन में भी नजर आ रहे हैं, हमें जी शूटिंग के अंदर भी गोल्ड नजर आ रहे हैं, हमें तो हर अगर आप कुछ चीज नाम बता सके की। सर। नाम सुमित अंतिल तो मैं पहले बता ही दिया, एथलेटिक्स में जी है, योगेश बिल्कुल का सीनियर है, एक बहुत अच्छा है लड़का, पहली बार आया ओलंपिक में भी, प्रणव सूरमा, वो प्रणव भी सूरमा, वर्ल्ड ठीक है रिकॉर्ड सर। लेके आया। पर मुझे पूरा विश्वास है, वो जब मेरे पास 5 साल पहले आया था, मेरे घर आया था, तो हमने जी उसको जो भी, मैंने कहा भाई इतना अच्छा हौसला दिया मैं, बेटा बस सही जगह पर आए हो और तुम देश का नाम ऊंचा करोगे। 5 साल पहले आया था मेरे घर, और वो आप इस बार देखना कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लेके आए। तो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड बैडमिंटन मेडल, में भी चांसेस हैं मेडल के, गोल्ड मेडल के। बैडमिंटन में तो कम से कम 6 से 7 मेडल लेके आएंगे, शूटिंग में भी हम 5 6 मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर एथलेटिक्स में तो हम 13 14 की भी आर एक्सपेक्टिंग के, 13 मेडल आने चाहिए। तो सब सब गिनती करके देख लिया, वो 25 और 30 के बीच ही बैठती है प्रियांशु जी। और आप भी दुआएं, सारा भारत, सारे जितने भी हैं सबके लिए दुआएं करो कि हमारे प्लेयर्स के लिए उनका उस टाइम में, चाहे वो कहते हैं ना कि भाई चाहे आपकी ताकत भी जो वहां से होगी, जो आपकी पॉजिटिव फोर्सों के पास आएगी, तो उनका दिन हो जाएगा, वो प्लेयर का ही दिन होगा जितने भी हमारे खेल। बिल्कुल सर, हम लोग सभी दुआएं कर रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से, टीम इंडिया को, हमारे इस इंडियन कंटिंजेंट को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरे पैरालंपिक्स के दौरान हम आपसे भी जुड़े रहेंगे, जो हमारे ओलंपियंस आएंगे, जो मेडल विनर्स आएंगे, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए इंडिया टीवी पर, और उम्मीद यही करता हूँ कि जब ये पैरालंपिक्स खत्म होंगे तो जो आपने टेली पर आंकड़ा दिया है उसके करीब या उससे आगे हम लोग निकल चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।